क्या पीजीडीएम के बाद पीएचडी किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन है कि सर मैं पीजीडीएम कर रहा हूँ और पीजीडीएम के बाद क्या पीएचडी पॉसिबल है? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसगाइडेड बाई द काउंसलर विच हैव नो नॉलेज। तो मैं सोचा चलो आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखो यार, पीजीडीएम के लिए ना, पीजीडीएम रन करने के लिए एआईसीटी अप्रूवल मैंडेटरी होता है, जो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस के पास या फिर मेजोरिटी कॉलेजेस के पास आपको ये अप्रूवल मिल जाता है। अब बात है कि पीजीडीएम करना है, पीजीडीएम के बाद पीएचडी पॉसिबल है क्या? अगर आपका पीजीडीएम एआईयू है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, देन यू आर एलिजिबल टू इनरोल फॉर द पीएचडी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर आपका पीजीडीएम एआईयू नहीं है, फिर भी देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने पीएचडी में इनरोल किया है और पीएचडी कंप्लीट भी किया है, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं पे आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी इनरोलमेंट हो सकता है आफ्टर एआईसीटी अप्रूवल पीजीडीएम ऑल्सो। बट एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, पीजीडीएम करने के पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी है कि सर मुझे पीएचडी करना है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि आप जो एमबीए करते हो, पीजीडीएम करते हो, वो कॉरपोरेट जॉब के लिए करते हो, ना कि पीएचडी के लिए। पीजीडीएम के पहले, एमबीए के पहले आपके मन में ये थॉट्स आते होंगे कि सर कल हो के मुझे पीएचडी करना है, मेरे नाम के आगे भी प्रीफिक्स डॉक्टर लगना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, बट द रियलिटी इज़ दैट कि यार जब आप पीजीडीएम कर लोगे ना, जब कॉरपोरेट जॉब करने लगोगे, इतनी ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि पीएचडी करने का आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, अगर 100 स्टूडेंट है जो पीजीडीएम के बाद, एमबीए के बाद पीएचडी करना चाह रहे थे, उनके मन में इच्छा थी, विश्वास नहीं करोगे 100 में से 5 स्टूडेंट्स भी एट लास्ट पीएचडी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कॉरपोरेट जॉब के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। और आपको रियलाइज भी हो जाता है यार कि पीएचडी करना इम्पॉर्टेंट नहीं है कॉर्पोरेट्स के लिए, या फिर प्रीफिक्स डॉक्टर लगाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अगर आप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना चाहते हो या कोई बड़े कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके लिए पीएचडी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यार मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने भी पीजीडीएम किया है, उसके बाद मैंने कई मास्टर्स एंड डिप्लोमा किए हुए हैं, मैंने भी इनरोल किया हुआ है पीएचडी में वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बट मुझे सच में थीसिस के लिए टाइम नहीं मिलता है। मेरा थीसिस आधा अधूरा अभी भी पड़ा हुआ है, मेरी पीएचडी कब कंप्लीट होगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, रियली आई डोंट नो, बिकॉज मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से अपना पीएचडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। किसी अपने थीसिस किसी और से पैसे दे के मैं कंप्लीट करवा लूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता यार, कि मैं जब भी पीएचडी करूँगा मैं खुद की मेहनत से करूँगा। एंड ट्रस्ट मी यार, आप पीजीडीएम के बाद पीएचडी जो आप करना चाहते हो, बाद में आपको सच में पीएचडी करने का मौका नहीं मिलेगा। सच में यार पीएचडी आप नहीं कर पाओगे, मतलब आप कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बिजी हो जाओगे, आप स्किलिंग में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाओगे, क्योंकि पीएचडी आपके लिए रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कॉर्पोरेट्स के लिए कहीं भी पीएचडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ आपको ना, मैंने क्या देखा है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं हूँ, बहुत सारे ऐसे पीएचडी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल तो कर लिया पीएचडी का, लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। मतलब मैं जिस पोजीशन पे आज हूँ, उतना भी उन्होंने नहीं किया। ट्रस्ट मी, मेरे बैच में 100+ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पीएचडी इनरोल किया था, एंड नाउ आप बिलीव करोगे, सिर्फ 25-30 स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं, मींस पीएचडी के पीछे पड़े हुए हैं, बाकी सभी ने छोड़ के चले गए। बिकॉज एक होता है ना कि यार मुझे पीएचडी करना है एक नाम के लिए, डॉक्टर के लिए, या फिर लोगों को दिखाने के लिए, फेमस होने के लिए, कि डॉक्टर चंदन बहुत प्यारा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है यार। ये कॉर्पोरेट जॉब के बाद ना सच में टाइम नहीं मिलता है। आज 14 ईयर्स के करियर में अगर मैं ग्रुप काउंसलिंग और 1-to-1 काउंसलिंग की बात करूँ, तो 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने काउंसलिंग किया है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हुए हैं
जो रियली में पीएचडी में इनरोल करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा यार कि पीएचडी में इनरोल करना चाहिए, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें, लेकिन बाद में आप लग करोगे यार क्या करूँ मैं पीएचडी करके, क्या करूँ यार, ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मन से निकाल दीजिए। आपका पीजीडीएम एआईसीटी हो या एआईयू हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका करिकुलम कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना स्ट्रॉन्ग है, जिस पीजीडीएम कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उसका करिकुलम इम्पॉर्टेंट है, उसका उसका करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी फैकल्टीज का बैकग्राउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म क्या मिल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यार पीएचडी के लिए मत सोचो, अपना करियर बनाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स लो। चलो ऑल द बेस्ट, अगले टॉपिक पे जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।